आप कैसे हैं? तो 10 डिवाइडेड बाई 10 कैसे कैलकुलेट करें अभी हम सीखेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, किसका डिवाइड करना है तो आप कहेंगे सर 10 का। किस में करना है? 105 में। स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, यार डिवाइड की शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं, इसको एक ही बार समझना। देखिए ये कितना है, 10। कितने अंक की संख्या? दो अंक। दो अंक के साथ तुलना करेंगे, तुलना करके क्या देखेंगे, क्या ये 10 से बड़ी है या 10 के बराबर है? बराबर है। बराबर की संख्या में भाग जाता है आपका एक बार, कितना गया 10। यदि छोटी होती है क्या करते हैं, अगला अंक शामिल कर लेते हैं, ठीक है। बराबर या बड़ी है तो भाग दे देंगे, पॉइंट क्लियर है। फिर इसको सबट्रैक्ट करना होता है, 10 में से 10 गया, कितना गया? कुछ नहीं, ऊपर से वन डिजिट यहाँ नीचे लेके आ जाते हैं। क्या ये 10 से बड़ा है? नहीं है, 10 से छोटा है। ध्यान रखें डिवाइड में एक बार में केवल एक स्टेप ही करना है। एक स्टेप कैसे होता है? घटाया, ऊपर से एक अंक नीचे लेके आ गया। अब ये 10 से बड़ा नहीं है, मतलब डिवाइड कितनी बार होगा? 0 बार। फिर घटाया, कितना गया? 5। अब आगे डिवाइड करने के लिए जब हमारे पास कोई भी अंक नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। तो भाग गया 5 बार, कितना गया? 50। फिर घटाया, 0 आ गया। ये आपका क्या है, आंसर है, कितना रहे? 10.5। तो देखिए इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं।